हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियास किचन। आज हम बनाएंगे सिंपल सैंडविच। देखो, ये सैंडविच बॉम्बे में बहुत फेमस है, और कौन सा भी सैंडविच सब लोगों को बहुत ही पसंद है। और एजी से इस तरह ये सैंडविच आप एजी से ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हो। चलो देखते हैं ये सैंडविच बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये ब्रेड स्लाइस लिया है मैंने, व्हाइट ब्रेड लिया है। आप कौन सा भी ब्रेड ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड। कुकुम्बर स्लाइस करके दिया है, एक टमाटर स्लाइस करके दिया है, प्याज को देखो इसी तरह से छोटे छोटे पतले स्लाइस किया है। ग्रीन चटनी, हरी चटनी ली है, ब्राउनी से धनिया और पुदीने की चटनी है, आप इसको घर पे ही बना सकते हो। आपको ऐसा चटनी घर पे बनाना है तो आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो ग्रीन चटनी कैसे बनाना है। काली मिर्च और थोड़ा टेस्ट के लिए नमक। देखो बहुत सिंपल है सैंडविच बनाना। आप चाहे तो इसमें मायोनीज भी डाल सकते हो, चीज भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बहुत सिंपल सैंडविच बनाने वाली हूँ इसीलिए मैंने जस्ट कुकुम्बर, प्याज और टमाटर का यूज़ किया है। चलो देखते हैं सैंडविच कैसे बनाना है। देखो सबसे पहले ये जो ब्रेड के स्लाइस है इसको हम बटर लगाएंगे, एक बटर नाइफ से बटर इसको लगाएंगे। ये बटर लगाने के बाद इसके ऊपर ग्रीन चटनी, दोनों स्लाइस के ऊपर लगाते हैं। अभी देखो ग्रीन चटनी लगाने के बाद एक स्लाइस हम साइड में निकालते हैं, और इस स्लाइस के ऊपर हम डालेंगे प्याज। आपको ज़्यादा प्याज पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, नहीं तो जो ये पतले पतले स्लाइस है उसमें से अलग अलग निकाल के भी आप डाल सकते हो। देखो इसी तरह से मैंने प्याज डाला है, और प्याज डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे ये टमाटर के स्लाइस। इसके बाद एक कुकुम्बर, और एक कुकुम्बर डालने के बाद मैं इसके ऊपर एक ब्लैक पेपर डालूंगी जस्ट हल्का सा। अभी इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा नमक, और नमक डालने के बाद आपको चीज़ पसंद है तो आप इसके ऊपर चीज़ डालिए, मायोनीज पसंद है तो मायोनीज डालिए। मैं बहुत सिंपल बनाने वाली हूँ। और ये दूसरी स्लाइस में इसके ऊपर थोड़ा हाथ से हल्का सा पेस्ट। सैंडविच हम थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे, लेकिन सैंडविच मेकर का यूज नहीं करेंगे, हम ये पैन में ही करेंगे। देखो जैसे सैंडविच मेकर में सैंडविच बन जाता है, उस तरह से ही सेम टू सेम सैंडविच हम पैन में आज बनाएंगे। चलो देखते हैं वो क्रिस्पी सैंडविच पैन में कैसे बनाना है। इसी तरह से जितने आपके साथ आपको सैंडविच बनाना है तैयार करके रखो, और पैन में उसको क्रिस्पी बनाओ। चलो हम पैन में इसको थोड़ा क्रिस्पी बनाते हैं। देखो पैन रखा है और बिल्कुल धीमी आंच की है गैस की, और इसी तरह से इसको अभी हम बटर लगाएंगे। सिर्फ एक साइड से लगाएंगे, दूसरे साइड से हम बाद में लगाएंगे। अच्छा से बटर लगना चाहिए। देखो इसी तरह से इसको बटर लगाया है, और ये बटर लगाने वाली जो साइड से इसको हम इधर रखेंगे। और गैस बिल्कुल ही धीमी रखना है। अभी देखो इस क्या करना है, जब सैंडविच मेकर होता है तब उसके ऊपर दब जाता है सैंडविच के ऊपर, और सैंडविच ऐसे ग्रीन क्रिस्पी बन जाते हैं। उस तरह से ही सैंडविच आज हम पैन में बनाएंगे। देखो पैन में बनाने के लिए ये जो सैंडविच है हमने इधर रखा है, जो भी आपके पास फ्लैट पैन है, नहीं तो कोई ट्रे है, इसी तरह का ट्रे होना चाहिए, नहीं तो डिश है आपके पास वो भी आप रख सकते हो। देखो मेरे पास एक केक का पैन है, और नीचे से बिल्कुल ही देखो प्लेन है,
हम इसके ऊपर रखेंगे और हाथ से हल्का सा इसी तरह से दबाएंगे। देखो दोनों साइड से हम इसको दबाएंगे और दबाने के बाद फिर से इसके ऊपर हेवी वाला कुछ भी बर्तन रखिए, नहीं तो हेवी कुछ भी आप रख सकते हो। देखो मेरे पास ये प्लेट है, ये थोड़ी हेवी है, मैं इसके ऊपर ये प्लेट देखो इसी तरह से रखती हूँ ताकि मेरा सैंडविच ऊपर से नीचे तक दब जाएगा और नीचे से आग लग के बहुत अच्छा क्रिस्पी बन जाएगा। अब बिल्कुल धीमी आग पर हम इसको 2 मिनट सीखेंगे। देखो ये एक साइड से अच्छी तरह से सीख के तैयार है, मैं इसको देखती हूँ। वाह बहुत अच्छा ब्राउन क्रिस्पी बन गया है। अभी हम ऊपर वाली साइड को अभी बटर लगा दें और इसको इस साइड से पलट देंगे। देखो कितना अच्छा ये ब्राउन बन गया है और इस साइड को भी हम थोड़ा 1 मिनट इसी तरह से ही। अभी इसके ऊपर कोई रखने की जरूरत नहीं है, कलछी से भी हम इसको दबा के सेक सकते हैं। देखो दूसरी साइड से भी ये सैंडविच अच्छी तरह से क्रिस्पी ब्राउन हो गया है, देखो बिल्कुल इसी तरह से। अभी मैं ये सैंडविच को एक सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ। देखो इसी तरह से हम सारे सैंडविच बनाएंगे। देखो इसी तरह से बहुत ही अच्छा ये सैंडविच बनके तैयार है। इसको बीच में हम कट करेंगे, हाथ को इसी तरह से दबा के। देखो ऊपर से बहुत अच्छा और क्रिस्पी ये सैंडविच बन गया। देखो चाहिए तो आप इसी तरह से भी इसको कट कर सकते हो। लीजिए गर्मा गर्म सिंपल सैंडविच बन के तैयार। ये सैंडविच आप सॉस के साथ भी खा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि इसमें थोड़ी काली मिर्च, नमक, खट्टी ग्रीन चटनी डाली है, तो ये सैंडविच बहुत अच्छा ये टेस्टी बन गया है। देखो इसी तरह से बिल्कुल सैंडविच मेकर तरह से ही ये सैंडविच बन के तैयार है। ऊपर से जब आप कोई भी डिश नहीं तो प्लेट ऊपर से रख सकते हो तो बहुत अच्छा ये सैंडविच बन जाता है। चलो आप भी जरूर इसी तरह से सिंपल सैंडविच बनाइए, खाइए। आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप तवे के ऊपर भी ये सैंडविच बना सकते हो और बहुत इजी से। जैसे सैंडविच मेकर में सैंडविच बन जाता है, ग्रिल होता है, उसी तरह से ही सेम हम पैन में भी बना सकते हो। आप भी जरूर इसी तरह से सिंपल सैंडविच बनाइए, खाइए। आई होप आपको भी बहुत बहुत पसंद आएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। आपके कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स है वो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। चलो फिर हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।